अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली फराज और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्किल्स। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और प्रोफेशनल किस्म की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वो वीडियो ये है कि ब्रेक पैडल, आपने देखा होगा 70 मोटरसाइकिल का ब्रेक पैडल, उसको किस तरह बनाया जाता है, किस तरह मैनुफैक्चर उसे किया जाता है। तो अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसको किस तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ये भाई हैं माशाल्लाह हमारे सामने, ये सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा पाइप है। पाइप की किस तरीके से कटिंग की जाती है वो आपके सामने है। देखिए, एक उन्होंने परमानेंट प्रॉपर एक साइज रखा हुआ है उन्होंने, जो साइज के ऊपर ला के उसको कटिंग कर दी जाती है। तो इस तरह यहाँ पर सबसे पहले पाइप की कटिंग की जाती है ब्रेक पैडल बनाने के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखें कितने परफेक्शन तरीके से आज यहाँ पर काम हो रहा है। वीडियो को पूरा देखा करें। आपको अगर हमारा चैनल लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें, ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप, पैड को कटिंग करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है प्रेस पे, यहाँ पर ला के इसको बेंड किया जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ इसको बेंडिंग की जा रही है उसको। ये देखें, मैं आपको भी एक पाइप पकड़ कर दिखाता हूँ, उसको एक एल शेप दे दी जाती है। ठीक है, एक एल शेप में उसको बेंड कर दिया जाता है पाइप को। तो ये देखें, मैं आपको एक पाइप दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे हाथ में एक पाइप है, इसको देखें, सीधा पाइप था, उसको एक एल शेप में बेंड कर दिया गया। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है मशीनों के ज़रिए। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो ये है हमारा तीसरा स्टेप। उस पाइप को वहाँ से बेंड करने के बाद ये एक प्रेस पे लाया जाता है। यहाँ पर इस पाइप को एक सुराख किया जाता है दोनों साइडों पे। पाइप को आपको मैं दिखाता हूँ वो सुराख किस तरह का सुराख होता है, और सिर्फ एक ही साइड पे सुराख किया जाता है, दो साइडों पे सुराख नहीं किया जाता। तो ये देखें, मेरे हाथ में पाइप है, इसको ये सुराख नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में, सिर्फ एक ही ऊपर वाली साइड पर दोनों साइडों पर सुराख कर दिया जाता है। तो ये है स्टेप नंबर 4 हमारा। चौथा स्टेप, 1, 2, 3, अब ये चौथे स्टेप पे हम आ चुके हैं। वो देखें, पाइप पे सुराख हुए हुए हैं, लेकिन एक ये चौथा स्टेप ये है कि इस पाइप को ना आगे से थोड़ा सा एक शेप भी दे दी जाती है उसको। मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ के। तो ये देखें, पाइप मैंने पकड़ लिया अपने हाथ में। तो ये देखें, इसको इस तरीके के इस तरह की एक शेप दे दी जाती है इस प्रेस के ऊपर इसको। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये हमारा है चौथा स्टेप। तो अब इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने पाँचवें स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो ये है हमारा पांचवा स्टेप। आपने देखा होगा दूसरे स्टेप पे किस तरीके से उस पाइप को बेंड किया जा रहा था। अभी ये पांचवें स्टेप के ऊपर भी इसको पाइप को बेंड किया जा रहा है, एक और शेप दे दी जा रही है इस पाइप को। देखते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, उसी प्रेस पे ला के इसको इस तरह बेंड कर दिया जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक प्रॉपर साइज है, एक प्रॉपर फिटिंग है जिसके ज़रिए इसको बेंड किया जा रहा है। ना ये ऊपर हो सकता है, ना ये नीचे हो सकता है, प्रॉपर फिटिंग है। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो इसकी फिटिंग में यानी कि कोई मसला आ जाएगा। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये पाइप। पहले आपको दिखाया मैंने एल शेप में, अब ये देखें, ये एक और मजीद शेप दे दी गई है इसको पाइप को, एक हैंडल की, ब्रेक हैंडल की शेप दे दी गई है इसको। यहाँ तक प्रेस जो शेप का काम था हमारा वो कंप्लीट है। अब जा रहे हैं हम अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ। अब छठा स्टेप हमारा क्या है आपको अब उसके बारे में बताते हैं। तो ये देखें, छठा स्टेप है हमारा वेल्डिंग का। पाइप तकरीबन बेंडिंग उसकी रेडी हो गई, उसके बाद इसके ऊपर एक टिक्की वेल्ड की जाती है। आप जब ब्रेक लगाते हैं, पावर रखते हैं, ऊपर एक टिक्की सी लगी होती है, उसको यहाँ पर वेल्ड किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब कोई भी मैकेनिक इसकी कसाई करता है तो नीचे की तरफ एक छोटी सी वो लगाई होती है, एक वॉशर टाइप देख रहे हैं आप, नीचे को छोटा सा नट लगा होता है, उसको भी वेल्ड किया जाता है पतरी को। तो ये वेल्डर भाई हैं हमारे माशाल्लाह, बहुत ही मेहनती भाई हैं। तो किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये एक और वेल्डिंग भाई हैं माशाल्लाह हमारे, ये देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टिक्की की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये देखें, पाइप उसने पकड़ लिया है खाली हाथ में, और वो देखें, वो एक टिक्की उसने रखी जिसको हम ब्रेक, जब ब्रेक दबाते हैं तो एक टिक्की लगी होती है, इसको यहाँ से वेल्डिंग किया जाएगा पाइप के साथ ताकि एक कंप्लीट ब्रेक पैडल की शेप आ जाए। तो वो देखें, एक वो छोटी पतली उन्होंने नीचे रखी है, उसको भी वेल्ड कर दिया जा रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखें, वेल्डिंग हो गई, तकरीबन इस तरह की शेप उसको आ जाती है।
इस तरह का ये बन जाता है। ब्रेक पैडल एक कंप्लीट ब्रेक पैडल की शेप, एक ये पतली वेल्ड की जाती है और एक वो नीचे छोटी सी टिक्की वेल्ड की जाती है। तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं अपने स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7, वहाँ से ये टिक्की वेल्डिंग होने के बाद माल इन भाई के पास आता है। इन भाई के पास माल आने के बाद ये भाई क्या करते हैं, यहाँ पर इनको रेगमाल किया जाता है माल को। मतलब कि ये रेगमाल बेल्टें लगी हुई हैं, इस तरह इनका जंगाल, इनकी चमक लाई जाती है, इनको बिल्कुल क्लीन यानी कि साफ़ किया जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्रोफेशनल तरीके के साथ भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई है भाई को यहाँ पर काम करते हुए, तो भाई का माशाल्लाह स्पीड भी ज़्यादा है। तो ये देखें कितना जंगाल लगा हुआ है पीसों को, और ये किस तरीके के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ आपको सामने एक वीडियो हाजिर हो चुकी है, आप देख रहे हैं उसको भाई। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ इसको, एक वो जंगाल इसका उतारा जा रहा है, रेगमाल किया जा रहा है, और भाई मुस्कुरा रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके ऊपर आके। तो चलें जी, ये हमारा स्टेप था 7। तो अब आपको लेकर चलते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ। स्टेप नंबर 8, जो हमारा स्टेप 8 है, वहाँ से ये चीज रेगमाल होने के बाद यहाँ पर लाए जाते हैं। यहाँ पर लाने के बाद इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से की जाती है वो भी हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो इस तरीके के साथ इन हैंडलों को, इन पैडलों को हैंग कर दिया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है। तो ये भाई हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इनका, इन्होंने तेजाब के अंदर इन पीसों को कुछ देर के लिए डिप करके रखा है। उसके बाद ये क्लीन पानी में डिप करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको निकाल के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक केमिकल वाला पानी है इनके पास, ठीक है, उसके अंदर डिप कर दिया जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आपको करंट भी मिल होगा, वो देखें करंट निकलाना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरीके से की जाती है, कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर डिप किया जाता है इसको। उसके बाद वहाँ पर वो क्लीन पानी में सिर्फ इनको वहाँ पर क्लीन कर दिया जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये था हमारा स्टेप नंबर 7। ये था हमारा स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 9 हमारा क्या है, ये है निकल। निकल आपको पता है निकल किसे कहते हैं, तो इस तरह इनको यहाँ पर निकल किया जाता है, चमकदार बनाया जाता है। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही नाम है, इलेक्ट्रिक है यहाँ पर, इनके अंदर पानी के अंदर करंट है। इस तरह इधर यहाँ पर ला के इनको निकल किया जाता है। निकल जितना अच्छा होगा उतनी इन पर चमक ज़्यादा आएगी। निकल का मिनिमम टेम्परेचर 50-60 के करीब होना चाहिए माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर ला के इन चीज़ों को उधर से निकालने के बाद यहाँ पर ला ले आते हैं, यहाँ पर ला के इनको निकल किया जाता है, इन पर निकल चढ़ाया जाता है, इनको निकल किया जाता है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। वहाँ से अब निकलने के बाद हमारा स्टेप नंबर है 9। अब 9 क्या है, वो ये है 9 स्टेप हमारा ये है कि, तो ये हमारा स्टेप नंबर 9 है। यहाँ पर ला के उन पीसों को निकल करने के बाद क्रोम के अंदर डिप कर दिया जाता है, जिसे क्रोम प्लेटिंग का नाम दिया जाता है। इसके अंदर थोड़ी देर के लिए इन पीसों को हैंग करके डिप कर दिया जाता है। वो देखें येलो हो गए हैं पीस आपके सामने, बिल्कुल वाइट थे लेकिन येलो हो गए हैं। येलो कहते हैं क्रोम, ये मतलब कि इसको क्रोम किया जा रहा है, क्रोम प्लेटिंग दी जा रही है। क्रोम प्लेटिंग करने के बाद इनको वॉश किया जाएगा। अब वाश बिल्कुल क्लीन जो पानी होता है, नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, उस पानी में इनको वाश किया जा रहा है। अब देखें ये टोटल प्रोसेस जो हमने पीछे से देखा उसका कमाल चेक करें, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये इन्होंने इसके अंदर वाश करने के लिए इसको डिप किया है, और ये देखें आप माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं कैमरे में कि कितनी ज़बरदस्त किस्म का इस पर निकल हुआ है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस पर शाइन आ गई है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि माशाल्लाह आपको पता लग जाए कि कितने प्रोफेशनल तरीके के साथ इस एक ब्रेक पैडल को गुजरना पड़ता है। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप आ रहा है, सेकेंड लास्ट स्टेप ये है कि इन पैडलों को वहाँ से ला कर वॉश करने के बाद इनको हैंग कर दिया जाता है धूप से सुखाने के लिए। तो देख रहे हैं भाई किस तरीके के साथ एक ब्रेक पैडल कहाँ से किन किन मशीनों से गुजर कर तैयार होता है। हम समझते हैं ऐसे ही तैयार हो जाता है, ऐसे नहीं तैयार हो जाता, बड़ी मेहनत होती है हर काम के पीछे माशाल्लाह ज़बरदस्त।
ये छोटे भाई हमारे लगे हैं इसको हैंग करने के लिए। तो ये टोटल पीसीस को यहाँ पर हैंग कर दिया जाता है। हैंग करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है वो हम आपको दिखाने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा लास्ट स्टेप है। इनको बफ लगाया जा रहा है। बफ मतलब कि अगर कोई पीस निकल वगैरह कुछ रह जाता है, चमक वगैरह कहीं से आपको नज़र आ जाता है कि थोड़ा सा जंगाल लगा हुआ है या अभी पीस कोई क्लीन नहीं हुआ, चेकिंग कर लेते हैं वो पीसीस को। फिर उसके बाद अगर कोई पीस में कमी पेशी रह जाती है तो यहाँ पर ला के उसको बफ लगाया जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह किस तरीके के साथ यहाँ पर भाई बैठ कर इसको, ये भाई माशाल्लाह इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी देर हो गई इन्हें यहाँ पर काम करते हुए, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो देख रहे हैं किस तरह उसकी शाइन आ रही है माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। तो ये था हमारा टोटल लास्ट स्टेप। तो ये देखें दोस्तों हमारे ब्रेक पैडल जो है बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह की हम नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें।